नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर देखिए पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है तो क्वेश्चन आवर में एम द्वारा अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से तो मिनिस्टर्स का जो जवाब होता है दोस्तों वो हमारे एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का करंट प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या है अभी तक एक एक एरियाज़ में क्या क्या किए हैं आगे क्या क्या करने वाला है ठीक है ये सब के बारे में एक जेन्यून इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर सेशन से वैसे जो इम्पोर्टेंट रिप्लाईस है वो हम डेली न्यूज में कवर करते हैं बट देखिए रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति से एक क्वेश्चन पूछा गया ग्राउंड वाटर हेल्थ कंडीशन के बारे में तो मिनिस्टर का जो रिप्लाई है उसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्राउंड वाटर में कितना कंटेमिनेशन हुआ है अभी तक कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट है वैसे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में वैसे आपको पता होगा और एक बार बता देता हूँ एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन दोनों का फर्क क्या है देखिए स्टार्ट क्वेश्चन में मिनिस्टर्स जो है मुंह से जवाब देते हैं ओरली जवाब देते हैं इसलिए कि ओरली जवाब देते हैं अगर जो क्वेश्चन पूछा वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो चाहे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है मतलब और क्वेश्चन पूछ सकता है उसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग और एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन के जो रिप्ले है दोस्तों वो रिटर्न रिप्ले होता है लिख के देते हैं इसलिए कि लिख के जवाब देते हैं तो इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा इसलिए जो सवाल पूछते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकते ये दोनों आप ध्यान दीजिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंडिया का ग्राउंड वाटर स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग इंडिया एक साल करीब 600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स या फिर 158 ट्रिलियन गैलनस ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं दोस्तों इसमें से 245 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्यूफेयर से ड्रॉ होता है बेसिकली ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है दोस्तों एक्फेर्स के ऊपर इट अकाउंट्स फॉर अबाउट ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के हिसाब से दुनिया भर में जितना ग्राउंड वाटर के लिए डिमांड है उसका वन बे फोर्थ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया आर यूज फॉर इरीगेटेड एग्रीकल्चर देखिए बेसिकली इरीगेशन पर्पसेज के लिए हम नाइन्टी परसेंट ग्राउंड वाटर यूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे यूपीएससी प्रम्स में पूछ सकता है रिमाइंडर ट्टी फोर बिलियन क्यूबिक मीटर सप्लाईज एट्टी फाइव परसेंट ऑफ कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर बाकी जो टेन परसेंट है दोस्तों जो ट्वेंटी फोर बिलियन क्यूबिक मीटर्स है उसे कंट्री का एट्टी फाइव परसेंट ड्रिंकिंग वाटर परपज पूरे होते हैं रफली एट्टी परसेंट ऑफ इंडिया फोर बिलियन रेजिडेंट डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर फॉर बहुत ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन ठीक है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का रफली एट्टी परसेंट ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेट है तो वापस टॉपिक पर आते हैं देखिये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति विश्वेश्वर तुडू तो इन्होंने बोला है दोस्तों काफी सारे टॉक्सिक केमिकल्स हमारा ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है जैसे कि लट का प्रेजेंस है 177 सेवेंटी सेवन डिस्ट्रिक्स इन ट्वेंटी वन स्टेट्स आयन का प्रेजेंस है फोर नाइन्टी वन डिस्ट्रिक्स इन ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैटमियम का प्रेजेंस है ट्वेंटी नाइन डिस्ट्रिक्ट इन इलेवन स्टेट्स एंड क्रोमियम का प्रेजेंस है सिक्सटी टू डिस्ट्रिक्टीन स्टेट्स इन सबके अलावा आर्सेनिक का प्रसन्न है दोस्तों 219 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका प्रसन्न है 152 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स में मिनिस्टर साहब ने यह भी बोला है दोस्तों इंडिया में ऐसे कई सारे मेटल अफेक्टेड हैबिटेशंस है हैबिटेशंस मतलब जहां पे लोग रहते हैं देखिए 14709 आयरन अफेक्टेड एरियाज है सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी वन फ्लोरेड अफेक्टेड एरिया से एट हंड्रेड एंड फोर्टीन अफेक्टेड नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सैलिनिटी अफेक्टेड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटीन नाइट्रेट अफेक्टेड एंड वन हंड्रेड एंड एलेवन हैवी मेटल अफेक्टेड ऑन द कंट्री मतलब इतने एरियाज में जो ग्राउंड वाटर है दोस्तों इसमें ये सारे मेटल्स का प्रेजेंस है जो हमारा हेल्थ के लिए सही नहीं है तो टोटल टन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी टू को कलेक्ट किया गया और टेस्ट किया गया एट द डेली जल बोर्ड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज इन साउथ दिल्ली, ठीक है तो द परसेंटेज ऑफ अनसैटिस्फैक्ट्री सैंपल्स रेंजेस फ्रॉम नाइन फाइव टू टू पॉइंट नाइन नाइन तो जितने सैम्पल्स टेस्ट किया गया दोस्तों उसमें से टू पॉइंट नाइन नाइन परसेंटेज तक बिल्कुल अनसैटिस्फैक्ट्री था विच इज वेल विद इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी ऐसे दोस्तों देखिए अगर टू पॉइंट नाइन नाइन परसेंट अनसेटिस्फैक्ट्री है तो ये एक्सेप्टेबल है ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइंस है दोस्तों एक एक कंट्री का ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग ठीक है तो उनके हिसाब से ये जो जो 2.99 ऑफ सैंपल्स अनसेटिस्फैक्ट्री है ये ठीक है मतलब अंडर कंट्रोल है अब दोस्तों इनमें से सबसे खतरनाक है आर्सेनिक एंड यूरेनियम इन दोनों के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्सेनिक एक ऑर्डरलेस एंड और टेस्टलेस मेटोलोइड है जो अर्थ क्रस्ट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एर्थ क्रस्ट में आर्सेनिक का जो नेचुरल प्रेजेंस है वो हाई लेवल्स में है तो भी उसी बात है ग्राउंड वाटर में भी आर्सेनिक का प्रेजेंस होना स्वाभाविक है एंड इट इज हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है दोस्तों इनऑर्गेनिक फॉर्म आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स के बारे में बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों ऑर्गेनिक में कार्बन का प्रेजेंस है इनऑर्गेनिक में कार्बन का प्रेजेंस नहीं है सिंगल एलिमेंट रहता है ठीक तो, है तो आर्सेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में हाईली टॉक्सिक है इट कैन गेट इन टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज ईटिंग फूड देखिए ऐसा पानी पीने से जिसमें आर्सेनिक का प्रसन्न ज़्यादा है तो हमारे शरीर में आर्सेनिक आ सकता है या फिर ऐसा खाना खाने से जो आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है तो बेसिकली आर्सेनिक हमारे शरीर में आने का दो चांसेज है ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विथ आर्सेनिक नो आर्सेनिक का एमोन हमारा शरीर में ज़्यादा होने से एक मेडिकल कंडीशन हो सकता है दोस्तों आर्सेनिकोसिस ध्यान दीजिएगा आर्सेनिक पॉइजनिंग बोलते हैं ठीक है थीके? तो आर्सेनिक से हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स हो, 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 can हो सकता है दोस्तों जिसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है फाइनली डेथ तक हो सकता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन कोस कैंसर एंड स्किन ले कैंसर हो सकता है स्किन इश्यूज हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है डायबिटीज भी हो सकता है नाउ यूरेनियम एंड इट्स इंपैक्ट यूरेनियम एक सिल्वरी ग्रे मेटालिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है इट इज ओनली नेचुरली फॉर्मड इन सुपर नोवा एक्सप्लोशन अब ये सुपर नोवा एक्सप्लोशन मतलब क्या, क्या होता है दोस्तों देखिए आपको पता है स्टार्स का लाइफ रहता है स्टार्स के अंदर बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूशन होता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है स्टार्स का द एंड होता है है कि नहीं नाउ स्टार्स का फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ में एक रन अवे न्यूक्लियर फ्यूशन होता है रन अवे न्यूक्लियर फ्यूशन मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियर रिएक्शन जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट रिलीज होता है बेसिकली एक टाइप का एक्सप्लोशन होता है ल्यूमिनस एक्सप्लोशन तो इस एक्सप्लोशन को सुपरनोवा नोबा बोलते हैं जिसकी वजह से नेचुरल यूरेनियम फॉर्म हुआ था बिलियंस ऑफ इयर्स को एक मेजर स्टार का एक्सप्लोशन की वजह से अर्थ का क्रिस्ट में यूरेनियम डिपोजिट्स हुआ करके बोलते हैं वैसे यूरेनियम का केमिकल सिंबल है यू एटोमिक नंबर है नाइन्टी यूरेनियम का दो मेजर आइसोटोप्स है यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 235 के बारे में आपको पता ही होगा यूरेनियम टू थर्टी फाइव तो ये पॉइंट सेवन टू परसेंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इसे यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं इसके बारे में आपको पता होगा वैसे इंडिया में यूरेनियम डिपोजिट कहां पे हैं सिंहभूम एंड हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश देखिए इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स कंपैरेटिवली बहुत कम है इसलिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हम सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन कौन से कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं अर्थ का क्रस्ट में नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है दोस्तों तीन नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव मेटीरियल्स से जो हमारा वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं वो है यूरेनियम थोरियम एंड एक्टीनियम ध्यान दीजिएगा एन ओ आर एम बोलते हैं नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हमारा वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं यूरेनियम थोरियम एंड एक्टीनियम वैसे ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन है दोस्तों पर जब ये रेडिएशन ज़्यादा होगा इसकी वजह से काफी हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं अब आपको पता ही होगा दोस्तों रेडिएशन की वजह से क्या क्या हो सकता है ठीक है नाउ ए ग्रोव अल्फा टेस्ट कैन बी यूज टू डिटर्मिन रेडियो एक्टिविटी इन ड्रिंकिंग वाटर देखिए ड्रिंकिंग वाटर में कितना रेडियो एक्टिविटी है यह पता करने के लिए यूज करता है ग्रोव आल्फा टेस्ट ठीक है ध्यान दीजिएगा आल्फा टेस्ट के बारे में नाउ ह्यूम्स आर एक्सपोज्ड टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एज द रिजल्ट ऑफ देयर यूज इन न्यूक्लियर वेपन एक्सरेज एम आर आईज एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट आप सबको पता होगा दोस्तों ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूसेज होता है कई सारे पर्पजेस के लिए जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होता है एक्सरेज़ में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज़ होता है एम आर स्कैनिंग होता है उसमें यूज़ होता है और भी कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में रेडियो एक्टिव मेटीरियल्स का यूज़ होता है जिसकी वजह से हम एक्सपोज है ठीक है एंड द डिस्पोजल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव वेस्टस इन सर्फस वाटर बॉडीज पोल्यूट्स एनवायरमेंट देखिए ठीक तरह से अगर रेडियो एक्टिव Materials को डिस्पोज नहीं करेंगे इससे काफी भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वाटर बॉडीज पोल्यूट हो सकते हैं अब दोस्तों आर्सेनिक पोल्यूशन के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या है ये देखते हैं देखिए आर्सेनिक देखिये आर्सेनिकब्लू एच ओस टेन केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से रिकमेंडेड लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर टेन माइक्रोग्राम पर लीटर है पर देखिए दोस्तों आजकल मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर एक्सपोज टू आर्सनिक एट कॉन्सेंट्रेशन मच हायर दैन द गेट लाइन वैल्यू हंड्रेड माइक्रोग्राम पर लीटर और ग्रेटर अमाउंट्स में आपको दुनिया में कई जगहों में आर्सनिक कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा नाउ द डब्ल्यू एच ओ यूनिसेफ ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन मोइटेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल टारगेटेट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देखिए वैसे ड्रिंकिंग वाटर के हेल्थ के रिगार्डिंग Hygiene के रिगार्डिंग डब्ल्यू एच ओ यूनिसेफ का एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है फॉर वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन जिसे वाश भी बोलते हैं सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है दोस्तों सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस तो दैट कॉल्स फॉर ट्रैकिंग द पॉपुलेशन एक्सेसिंग ड्रिंकिंग वाटर विच इज फ्री ऑफ फीकल कंटेमिनेशन एंड प्रियोरिटी केमिकल कंटेमिनेट्स इंक्लूडिंग आर्सेनिक तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लियरली लिखा हुआ दोस्तों जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फीकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए या फिर केमिकल कंटेमिनेट्स नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग आर्सेनिक तो देखिए ये पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिया गया है एक तो मैंने आपको बोला यूनाइटेड नेशन का जो सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड्स है जिसका टारगेट है टू तक उसमें से एक टारगेट ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिगार्डिंग है तो वो ठीक है फिर हमारा जल जीवन मिशन के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया तो रूरल इंडिया में जितने हाउस होल्ड्स है उधर सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर पहुँच जाना सेफ मतलब समझ लो ना उसमें फिकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए केमिकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए तो जल जीवन मिशन भी एक स्टेप बोल सकते हो ठीक है वैसे आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिफिक टेक्निक्स अवेलेबल है दोस्तों लाइक ऑक्सीडेशन कोगुलेशन फ्लोक्युलेशन मेम्ब्रेन टेक्निक्स एक्सेट्रा अब ये सब क्या है उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ बस आप यही समझ लीजिएगा ऑक्सीडेशन कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एंड मेंब्रेन टेक्निक से आर्सेनिक रिमूव हो सकता है इसके अलावा दूसरे वाटर सोर्सेज के ऊपर भी हम डिपेंड डिपेंड हो सकता है दोस्तों ठीक है इसके लिए हमें ऑल्टरनेट आर्सेनिक फ्री एक्विफेयर ढूंढना पड़ेगा या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडोप्ट करना पड़ेगा वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडोप्ट करना पड़ेगा अब देखिए आर्सेनिक पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए केवल ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा हमें इरिगेशन वाटर के ऊपर भी फोकस करना होगा क्योंकि इरिगेशन वाटर से घूम फिर के फाइनली वो हमारे शरीर में आ जाता है है कि नहीं तो इरिगेशन वाटर में भी आर्सेनिक का जो कंटेंट है वो कम करना पड़ता तो दोस्तों दैट्स से आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर की पीडीएफ ऐसा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव डे